सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है, यानी कि जो साइकोलॉजी है वो सीखने के अंदर किस प्रकार से हमारे को मदद करती है। फर्स्ट कहते हैं जी प्रेरणा और पुनर्बलन। प्रेरणा मतलब हमारे अंदर किस प्रकार से मोटिवेशन है और किस तरह से कोई काम बार बार रिपीट होता है। वंशानुक्रम के अंदर आ जाता है कि हमारे को पूर्वजों से क्या कुछ मिला है, मेंटल में क्या कुछ मिला है, फिजिकल नेचर किस तरह से मिला है, जो हमारी शेप है शरीर की वो किस तरह से बनी है। नेक्स्ट है जी सीखना है तो सीखने के अंदर नहीं आ सकती ना, ये वातावरण है, ये वातावरण है जो हमारे को किस प्रकार से इफेक्ट करता है। वातावरण हमारा हो सकता है जैसे हमारे परिवार का वातावरण, हमारे स्कूल का वातावरण, हमारे पड़ोसियों का वातावरण, किस प्रकार से हम उनसे साथ बातचीत करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है जी ध्यान, कि किस तरह से हम अटेंशन देते हैं, किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, रुचि इंटरेस्ट किस चीज़ में है। किसी का बॉडी बनाने में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी का गाने में, किसी का पढ़ने में, किसी का कलाकारी में, अलग अलग टाइप से सभी का इंटरेस्ट हो सकता है। व्यक्तिगत भेदों, सभी को पता है कि व्यक्ति के अंदर अलग अलग भेद होते हैं, कि कोई मेंटल लेवल से अलग होता है, कोई सोशल लेवल पे, सभी अलग होते हैं, इकोनॉमिकल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, अलग अलग तरह के सभी के नीचे होते हैं, तो इस प्रकार से बैठ पड़ता है। तो यहाँ पर सीखने, जो सीखने की बात है वो प्रेरणा के अंदर आती है, कि हमारे अंदर अगर मोटिवेशंस है तो हम किसी बात को, किसी काम को करने के लिए हमारे अंदर ऊर्जा आती है और उस काम के लिए पूरे डेडिकेशन से हम लग जाते हैं। और अगर हमारे को पॉजिटिव उसका रिजल्ट मिलता है तो हम दोबारा से उस काम को क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान किस टाइप का विज्ञान है? विज्ञान कहता है मानव के व्यवहार को जांचना विज्ञान है, मानव सिद्धांतों का या शैक्षिक सिद्धांतों का या मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। सभी को पता है व्यक्ति के अंदर भिन्न भिन्नताएं होती हैं, शैक्षिक शिक्षा के एजुकेशन के अलग अलग सिद्धांत होते हैं जिनको आपने मानना पड़ता है। एजुकेशन मानव के सिद्धांत यानी कि मानव के, ह्यूमंस के कुछ सिद्धांत होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुल मिला के जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। क्यों कहना चाहता है कि मानव के व्यवहार को पता लगाना ही शैक्षिक या शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर होता है, कि साइकोलॉजी के, मनुष्य के साइकोलॉजी को समझना, उसके उसके दिमाग के लेवल को समझना कि किस प्रकार से उसका दिमाग है, ताकि उसको उसी के अकॉर्डिंग कंसल्ट किया जा सके, उसको डायग्नोस किया जा सके, उसकी प्रॉब्लम समझी जा सके और उसको उसके अकॉर्डिंग ही एजुकेशन दी जा सके और उसको उसी के अकॉर्डिंग सिखाया जा सके, ताकि सोसाइटी के लिए उसे एक अच्छा नागरिक बनाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिशु अवस्था में पाया जाता है। शिशु अवस्था में क्या पाया जाता है? अनुकरण करना, मतलब दूसरे की सेम टू सेम कॉपी करना, जैसे आप काम कर रहे हो ऐसे ही छोटा बच्चा वो आपको देख के सेम काम करता है। सहयोग करना, कई बार आप जो काम करते हो बच्चे भी कहते हैं मैं आपकी हेल्प करूं या आपकी हेल्प करने में प्रयास करता है। नेक्स्ट होता है आश्रितता, मतलब दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, खाना खाना है, दूध पीना है या कुछ भी करना है, मतलब तो ये दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर कुल मिला के जो आंसर डी है वो करेक्ट बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास, जो संवेगात्मक है यानी कि जो हमारे इमोशंस हैं उनका विकास किस अवस्था में शीघ्र होता है, यानी कि जो इमोशन इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो डर है, जो सुख है, जो दुख है, मतलब इस तरह की जो फीलिंग बिल्कुल ही जल्दी आ जाती हैं, बिल्कुल जल्दी चली जाती हैं, तो मतलब किसी की सुनने समझने की क्षमता नहीं होती, तो कौन सी अवस्था हो सकती है? आपको पता है कि शिशु अवस्था में ऐसा कुछ नहीं हो सकता, युवा अवस्था के अंदर तो सोच हो जाती है, मेच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, बालक अवस्था में कुछ पता नहीं होता, लेकिन किशोर अवस्था के अंदर कुछ नहीं पता, अपने पेरेंट्स की भी कई बार अपनी उनकी अपनी बात को लेकर किसी प्रकार से झगड़ा ही चलता है, कई बार देखा गया है, और आपस में उनकी एक दूसरे के साथ मित्र मंडली बनाना, ग्रुपों में रहना और बाहर रहना ज्यादातर घर से, तो इस तरह की चीजें हमको पसंद है, और दूसरों को दिखावा करना, ये चीजें ज्यादा सोची जाती हैं किशोर अवस्था के अंदर। तो संवेगात्मक ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर विकास होते हैं? किशोर अवस्था के अंदर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वृद्धि और विकास। वृद्धि का मतलब होता है कि किसी चीज को नाप लेना, ठीक है ना, कि कितनी चीज कोई बढ़ी है या कितनी चीज कैसे है, और लेकिन जो विकास है उस चीज को मापने के लिए क्या कर सकते हैं, कि फिजिकली तो अगर बात करें तो वो वृद्धि के अंदर आ जाता है, लेकिन जो उसे मेंटल है, सोशल है, पॉलिटिकल है, कल्चरल है, इकोनॉमिकल है, मतलब अलग अलग फील्ड में, अलग अलग फील्ड में उसको इम्प्रूवमेंट करना, तो ये सर्वणीय विकास के अंदर आ जाता है, कि ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। तो ये एक दूसरे के विरोधी हैं? नहीं जी, एक दूसरे के समान है नहीं जी, क्योंकि वृद्धि है जो छोटा पैरामीटर है, लेकिन ये वाइड ब्रॉड कंसेप्ट लिया गया है। नेक्स्ट है एक दूसरे के पूरक। हाँ जी, एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि जो विकास है वो वृद्धि के बिना अधूरा है। नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर बनेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शिशु के विकास प्रारंभ हो जाता है, यानी कि शिशु का जो विकास है वो कब प्रारंभ हो जाता है, जन्म के पश्चात, जन्म होने के बाद क्या शिशु का विकास होता है? नहीं जी, किशोर अवस्था में, जब तक तो बहुत बड़ा हो जाता है शिशु, तो ये भी गलत हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास बाल्यावस्था में, क्या बाल्य अवस्था में? ना भाई, तो गर्भकाल से ही, जब उसका जन्म नहीं होता, मतलब वो अपनी माता के पेट में होता है, तभी से उसका विकास होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, शिक्षक का सर्वोच्च कर्तव्य क्या है? एक टीचर्स है तो सबसे ज्यादा उसका इम्पोर्टेंट कर्तव्य क्या हो सकता है? अपने समुदाय की सेवा करना? नहीं भाई, जब एक शिक्षक है तो उसका काम होता है सोसाइटी को एक शेप देना, सोसाइटी को एक इस तरह से, जो समाज है उसको इस तरह से बनाना ताकि वो हमारे आने वाले युवा वर्ग के लिए या सोसाइटी के लिए एक अच्छा रोल प्ले कर सके। प्रधानाचार्य के आदर्शों का जरूरी नहीं है कि जो हमारा प्रधानाचार्य है वो गलत भी बोल रहा है, सही भी बोल रहा है, तो सही प्रकार, सभी प्रकार के उसके जो भी आदेश हैं, डायरेक्शन है, इंस्ट्रक्शन है, उनको फॉलो करना जरूरी नहीं है। तो मेन काम होता है उसको सोसाइटी के लिए कुछ डेवलप करके जाना, छात्रों को कल्याण करना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे को छात्र हैं जो हमारे विद्यार्थी हैं उनका डेवलपमेंट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मित्र मंडली के साथ रहें, ऐसा कुछ नहीं है कि शिक्षक अगर आपस में टीम टीचिंग बना के रखते हैं तो एक थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है, लेकिन जो मेन फोकस हो सकता है वो क्या है, छात्रों का कल्याण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बालक के विकास में कौन सी अवस्था में उचित यौन शिक्षा की आवश्यकता होती है? यौन शिक्षा इस प्रकार की शिक्षा होती है जो जो हमारे किशोर अवस्था, यानी कि जो यूथ की अवस्था से नीचे हैं, तो उनको यौन अवस्था के बारे में बताया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में आज के टाइम में इस प्रकार से जो छवि है वो काफी खराब हो चुकी है। मतलब हमारे यहाँ यौन एड्स वगैरह की बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, एक दूसरे मेल को फीमेल के प्रति, फीमेल को मेल के प्रति जो अट्रैक्शन होता है वो ना तो शिशु अवस्था में होता है, ना ही बाल्यावस्था में, ना ही प्रौढ़ अवस्था में, क्योंकि यहाँ पर बूढ़े हो जाते हैं, यहाँ पर बच्चे हैं और यहाँ तो शिशु ही छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ पर बात होती है किशोर अवस्था के अंदर। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह कौन सा कथन है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक मतलब होता है उनकी दिमाग की नॉलेज, कि वो दिमाग से कितनी चीज समझ पा रहे हैं, तो यहाँ पर उनके दिमाग के लेवल की बात की जा रही है कि मेंटल किस प्रकार से उनका डेवलपमेंट है, सबसे बेहतर तरीके से उनका दिमाग का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर हो सकता है? विद्यालय व कक्षा, पर्यावरण में, सभागार में, जरूरी नहीं है जी, घर पे, जरूरी नहीं है जी, खेल के मैदान में, जरूरी नहीं है जी। तो मिला के ये यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जहां पर क्या है विद्यालय के अंदर और कक्षा पर्यावरण के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमारे को सबसे बेस्ट लेना है जिसका आंसर हमें देना है। ऐसा हो सकता है कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा विकल्प हैं जो सही दिए होते हैं, लेकिन हमारे को सबसे बेस्ट जो एक्सप्रेस कर रहा है तो उसी को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आज हमारा जो विषय था आज यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।